Alright MG family, hope so you are well and good and welcome back to my YouTube channel MG's Total. So guys, अभी आप लोग देख सकते हो दोपहर का मतलब शाम का ही टाइम है और अभी जस्ट मैं और मेरा दोस्त घूम रहे थे तो हमने अभी देखा कि एक बड़ी यूनिक सी बाइक है और रिवोल्व करके सो ये रही बाइक आपके सामने. काफ़ी यूनिक लुक था, काफ़ी अट्रैक्टिव है जब हमने इसको बाइक को देखा और बाइक को आपका लुक दिखाते हैं. सो ये बाइक क्षितिज भैया की है और आपको पूरा इसका व्यू दिखाते हैं कि कैसी है बाइक. लुक्स में तो गाइस नो डाउट इतनी ऑसम बाइक लग रही है, मतलब एक स्पोर्ट्स नेकेड स्ट्रीट फाइटर की तरह. और बाकी आप लोग देख सकते हो, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है. अब बाकी इस बाइक क्यों है बात हम भैया से ही करेंगे. तो क्षितिज भैया इसके ओनर हैं. सो भैया कुछ बताइए इस बाइक के बारे में स्पेक शीट. तो यही है यार कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक है और पेट्रोल का सिस्टम नहीं है, पूरा बैटरी का सिस्टम है. ओके. और इस समय का जो पेट्रोल का वो बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से गाड़ी बहुत बेस्ट है. हम लोग कहीं पर भी जाना है तो पेट्रोल भरवाना पड़ता है, इसमें महंगाई ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये बाइक ज़्यादा चूज करी है लेने के लिए. ओके. तो इसमें वन टाइम चार्ज करने पे आपकी बाइक कितना जाती है फिर? 200. सो एक नॉर्मल बाइक की तरह ही एवरेज जो एक नॉर्मल बाइक जाती है 200 फुल टाइम पे, तो उतना ही आपकी ये भी जाती है. सो गाइस भैया आप कुछ बताइए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे इसका की सिस्टम है. इसका की सिस्टम इसे कार का की सिस्टम होता है, रिमोट से की सिस्टम है इसका. सो देख सकते हैं गाइस इसका की है. ये ऑफ सिस्टम है इसका, हम ऑफ कर देंगे तो गाड़ी ये ऑफ हो जाएगी हमारी, ठीक है. की सिस्टम है अनलॉक का, ये मतलब चार्ज स्टार्ट होने का ये लोकेशन का है, अपनी लोकेशन से भेज सकते हैं कहीं पे भी. ओके. इसमें क्या होता है कि गाड़ियों में ऐप मिलता है, फ़ोन में ऐप मिलता है, इससे गाड़ियों में भी ऐप होता है इसका, तो इसकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी. गाड़ी से चोरी होती है, कुछ भी होती है, लोकेशन ट्रैक हो सकती है इसमें कि गाड़ी मेरी कहाँ है. मेरी गाड़ी में GPS लगा हुआ है. ओके. इनबिल्ट आया या आपने अलग से लगवाया? इनबिल्ट आया है. इनबिल्ट. सो अब तक मैं सोचता हूँ भाई कोई आई नहीं ना बाइक जिसमें इनबिल्ट आया, तो रिवॉल्ट ही ऐसी बाइक है जिसमें इनबिल्ट GPS सिस्टम आया है, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं. सो भैया आप बाइक को स्टार्ट करके दिखाइएगा थोड़ा. सो स्टार्ट हो चुकी है बाइक, आप जैसे देख सकते हैं जैसे नॉर्मल बाइक स्टार्ट होने पे आइडल पे वॉइस आती है, एग्जॉस्ट नोट वैसी है. और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें चेंज पॉकेट की जगह एक बेल्ट दी गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई चेंज पॉकेट नहीं है. ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, अट्रैक्टिव लगा. अब बाकी अब आपको दिखाते हैं इसका डिजिटल मीटर. तो ये आपका शो करता है बैटरी का शो करता है. और ये क्या चीज़ है? ये किलोमीटर के हिसाब से सर फर्स्ट पे है मेरी गाड़ी, अभी नॉर्मल मोड पे है तो 180 के कहते हैं, ये 140 चलेगी, ठीक है. सेकंड पे लगा दिया इसको तो ये सेकंड मोड स्टार्ट हो गया नॉर्मल मोड. ओके. 73 चलेगी, ठीक है. ओके. थर्ड पे लगा दिया मैं स्पोर्ट्स मोड, ठीक है, तो ये 57 चलेगी. सो आप लोग देख सकते हो गाइस इसमें गियर सिस्टम नहीं है पर इसमें हैंडल बार्स की तरफ शिफ्ट दिया है गियर्स का. सो आप इसके बारे में कुछ बताइए इसमें कैसे करके हम शिफ्ट करें गियर्स. शिफ्ट गियर क्या करना है आपको, मतलब आपके हिसाब से यही कि आप कैसे इसको चलाना चाहेंगे, ठीक है. अगर आपको स्पोर्ट्स मोड चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड में लगाइए, नॉर्मल मोड चाहिए तो नॉर्मल मोड पे लगाइए. और अगर जैसे आपके फादर चला रहे हैं उनको गाड़ी तेज पे चलाना पसंद नहीं है तो आप फर्स्ट पे चलाइए इसको. ओके. और ये आपका दिया है चार्जिंग पॉइंट. चार्जिंग पॉइंट नहीं, ये मेरा मतलब पावर बटन है, ये मेरे यहाँ से ऑफ हो जाएगी गाड़ी. अच्छा, तो ये गाइस ये पावर बटन है जिससे पूरी गाड़ी असल में बंद हो चुकी है. और अब इसके बाद अगर आपको बिल्कुल लॉक करनी है बाइक तो आप कैसे करके लॉक करेंगे? यहाँ पे इसका वैसे की सिस्टम इधर है इसका, आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं इजीली. काफ़ी अच्छी और मुझे काफ़ी पसंद आई है बाइक, काफ़ी अच्छी लगी मुझे बाइक और काफ़ी यूनिक. पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी. रिवॉल्ट, हाँ भैया इसके बारे में बताए कौन सा मॉडल है? रिवॉल्ट 400. और ऑन रोड प्राइस आपको कितने की पड़ी थी? 151 की. 151 की ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाती है. मैं क्या से
नॉर्मल जितनी बाइक है उतनी ही प्राइस है और बल्कि उससे कम है। तो बाकी देखा जाए ऑलराउंडर में बाइक जो है बढ़िया है, बहुत अच्छी है आज के समय को देखते हुए कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने इंक्रीज कर रहे हैं। सो ये जो बाइक होगी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो मैं एक बार कहूँगा कि आप इसे पर्सनली जाकर चेकिंग जरूर करिए। वैसे ही आप इसे लाए कहाँ से परचेज करी? इसको लखनऊ से लेके आए। लखनऊ? अभी बरेली में कहीं पे कहीं शोरूम में। सो भाई लखनऊ से लाए हैं? लखनऊ में है और यूके उत्तराखंड में इसका शोरूम है, वो अभी नया खुला है, तो बस वहाँ पे इसका शोरूम है। बाकी दिल्ली वैली में जहाँ पे स्मार्ट सिटीज हैं अभी वहाँ पे इसका शोरूम आया है। ओके सो काफी दूर से भैया लाए हैं और आप शायद यहीं के यहाँ लोकल रेसिडेंसी है ना? ओके सो काफी दूर से लाए हैं। सो आपका एक मेन पर्पस यही था, मतलब फ्यूल के प्राइस इंक्रीज का मेरा मेन पर्पस और कुछ यूनिक करने का? हाँ यूनिक। सो भाई ने और मेरे ख्याल से बरेली में ये पहली बाइक है, बरेली में पहली बाइक है रिवॉल्ट 400 जो अब तक है। इसके अलावा तो और कोई ना बरेली में शोरूम इसका खुला है और ना और कोई बाइक है, सिर्फ ये ही पहली बाइक है। सो गाइस और इस पे जो आगे के रिव्यू होंगे वो आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तब तक एंजॉय करिएगा इसके सिनेमैटिक्स कुछ।